नमस्कार दोस्तों, आज कहानी और किरदार के इस अंक में प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई जी की लिखी हुई कहानी डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन, यानी कि आध्यात्मिक पागलों का मिशन। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। भारत के सामने अब एक बड़ा सवाल है कि अमेरिका को अब क्या भेजे। काम शास्त्र में पढ़ चुके हैं, योगी भी देख चुके, संत देख चुके, साधु देख चुके, गांजा और चरस वहाँ के लड़के पी चुके, भारतीय कोबरा देख चुके, गिर का सिंह भी देख लिया, जनपथ पर प्राचीन मूर्तियाँ भी खरीद ली, अध्यात्म का आयात भी अमेरिका काफ़ी कर चुका और बदले में गेहूँ भी दे रहा है, हरे कृष्णा हरे राम भी बहुत हो गया, महेश योगी, बाल योगेश्वर, बाल भोगेश्वर आदि के बाद अब क्या हो। मैं देशभक्त आदमी हूँ, मगर मैं अमरीकी पीढ़ी को भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ वो बोर समाज का आदमी है, यानी बड़ा बोर आदमी है। शेयर अपने आप डॉलर दे जाते हैं, घर में टेलीविज़न लगा है, दारू की बोतलें हैं, शाम को वो 10-15 आदमियों से हाउ डू यू कर लेता है, पर इससे बोरियत नहीं मिटती। हनोई पर कितनी भी बम वर्षा अमेरिका करे, उत्तेजना नहीं होती। कुछ चाहिए उसे, उसे भारत से कुछ चाहिए। मुझे लगता है कि चिंता जितनी बड़ी अमेरिका की है, उतनी ही बड़ी भारतीय भाइयों की भी है। इन्हें भी कुछ चाहिए। अब हम भारतीय भाई वहाँ डॉलर और यहाँ के रुपयों के लिए क्या ले जाएं? रविशंकर से भी बोर हो चुके हैं, योगी संत वगैरह भी काफ़ी हो चुके हैं, अब उन्हें कुछ नया चाहिए, बोरियत ख़त्म करने और उत्तेजना के लिए। डॉलर देने को वो तैयार है। मेरा विनम्र सुझाव है कि इस बार हम भारत से डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन ले जाएं। ऐसा मिशन आज तक नहीं गया, ये नायाब चीज़ होगी। भारत से डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन यानी आध्यात्मिक पागलों का मिशन। मैं जानता हूँ आम अमरीकी कहेगा वी हैव सीन वन, हिज नेम इज कृष्ण मेनन, मतलब हमने एक पागल देखा है, उसका नाम कृष्ण मेनन है। तब वो हमारे एजेंट कहेंगे वो डिवाइन नहीं था और पागल भी नहीं था। इस वक्त सच्चे आध्यात्मिक पागल भारत से आ रहे हैं। मैं जानता हूँ आध्यात्मिक मिशनें स्मगलिंग करती रहती हैं, पर भारत और आम आदमियों को ये नहीं मालूम कि लोगों को स्वर्ग में भी स्मगल किया जाता है। ये अध्यात्म के डिपार्टमेंट से होता है। जिस महान देश में गुजरात के गांव में एक आदमी ने पवित्र जल बांटकर गांव उजाड़ दिया, वो क्या अमरीकी को स्वर्ग में स्मगल नहीं कर सकता? तस्करी सामान की भी होती है और आध्यात्मिक तस्करी भी होती है। कोई आदमी दाढ़ी बढ़ाकर एक चेले को लेकर अमरीका जाए और कहे मेरी उम्र 1000 साल है, मैं 1000 सालों से हिमालय में तपस्या कर रहा था, ईश्वर से मेरी 3 बार बात हो चुकी है। विश्वासी पर साथ ही संकालु अमरीकी चेले से पूछेगा क्या तुम्हारे गुरुजी सच बोलते हैं, क्या इनकी उम्र सचमुच 1000 साल है? तब चेला कहेगा मैं निश्चित तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो इनके साथ सिर्फ 500 सालों से रह रहा हूँ। यानी चेले 500 सालों के वैसे ही हो गए और जो अपनी अलग कंपनी खोल सकते हैं। तो मैं भी सोचता हूँ कि सब भारतीय माल तो अमेरिका जा चुका, काम शास्त्र अध्यात्म योगी साधु वगैरह, अब एक ही चीज़ हम अमेरिका भेज सकते हैं और वो है भारतीय आध्यात्मिक पागल, इंडियन डिवाइन ल्यूनेटिक। इसलिए मेरा सुझाव है कि इंडियन डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन की स्थापना जल्दी होनी चाहिए। यो मेरे से बड़े बड़े लोग इस देश में हैं, पर मैं भी भारत की सेवा के लिए और बड़े अमरीकी भाई की बोरियत कम करने के लिए कुछ सेवा करना चाहता हूँ। यो मैं जानता हूँ कि 1000 सालों से हरे रामा हरे कृष्णा का जय करने के बाद भी शक्कर सरकारी दुकान से ना मिलकर ब्लैक से मिलती है, तो कुछ दिन इन अमरीकियों को राम कृष्ण का भजन करने से क्या मिल जाएगा? फिर भी संपन्न और पतनशील समाज के आदमी के अपने शांति और राहत के तरीके होते हैं, और अगर वे भारत से मिलते हैं तो भारत का गौरव ही बढ़ता है। यूं बर्ट्रेंड रसेल ने कहा है अमरीकी समाज वो समाज है जो बर्बरता से एकदम पतन पर पहुंच गया है, वो सभ्यता की स्टेज से गुजरा ही नहीं, एक स्टेप गोल कर गया। मुझे रसेल से भी क्या मतलब,
मैं तो नया अंतर्राष्ट्रीय धंधा चालू करना चाहता हूँ, डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन। दुनिया के पगले शुद्ध पगले होते हैं, भारत के पगले आध्यात्मिक होते हैं। मैं डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन बनाना चाहता हूँ। इसके सदस्य वही लोग हो सकते हैं जो पागल खाने में ना रहे। हमें पागल खाने के बाहर के पागल चाहिए, यानी कि वो जो सही पागल का अभिनय कर सके। योगी का अभिनय करना आसान है, ईश्वर का अभिनय करना भी आसान है, मगर पागल का अभिनय करना कठिन है। मैं योग्य लोगों की तलाश में हूँ। दो एक प्रोफेसर मित्र मेरी नज़र में हैं, जिनसे मैं मिशन में शामिल होने की अपील कर रहा हूँ। मिशन बनेगा और ज़रूर बनेगा। अमेरिका में हमारी एजेंसी प्रचार करेगी, सी रियल इंडियन डिवाइन ल्यूनेटिक। हम लोगों के न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर उतरने की खबर अखबारों में छपेगी, टेलीविज़न तैयार रहेगा। मिसेज रॉबर्ट मिसेज सिम्पसन से पूछेंगी, तुमने क्या सच्चा आध्यात्मिक भारतीय पागल देखा है? मिसेज सिम्पसन कहेंगी, नो, इज देयर वन इन दिस कंट्री अंडर गॉड। मिसेज रॉबर्ट कहेंगी, हाँ, कल ही भारतीय आध्यात्मिक पागलों का एक मिशन न्यूयॉर्क आ रहा है, चलो हम लोग देखेंगे। इट विल बी ए रियली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। न्यूयॉर्क हवाई अड्डे पर हमारे भारतीय पागल आध्यात्मिक मिशन के दर्शन के लिए हजारों स्त्री पुरुष होंगे। हमें जीवन की हर रोज होने वाली बोरियत से राहत मिलेगी, हमारा स्वागत होगा, मालाएं पहनाई जाएंगी, हमारे ठहरने का बढ़िया इंतजाम होगा, और तब हम लोग पागल अध्यात्म का प्रोग्राम देंगे। हर गैर पागल पहले से शिक्षित होगा कि वो सच्चे पागल की तरह कैसे नाटक करे। प्रवेश फीस $50 होगी, और हजारों अमेरिकी हजारों डॉलर खर्च करके इंडियन डिवाइन ल्यूनेटिक के दर्शन करने आएंगे। हमारा धंधा खूब चलेगा। मैं मिशन का अध्यक्ष होने के नाते भाषण दूंगा, वी आर रियल इंडियन डिवाइन ल्यूनेटिक्स। आवर ऋषिज एंड मुनीज 1000 years ago सेड दैट द वे टू रियल इंटरनल पीस एंड सॉल्वेशन लाइज थ्रू ल्यूनेसी। मतलब हम लोग भारतीय आध्यात्मिक पागल हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था कि आंतरिक शांति और मुक्ति पागलपन से आती है। इसके बाद मेरे साथी तरह तरह के पागलपन के करतब करेंगे और डॉलर बरसेंगे। जिन लोगों को इस मिशन में शामिल होना है, वे मुझसे संपर्क करें। शर्त ये है कि वे वास्तविक पागल नहीं होने चाहिए। वास्तविक पागलों को इस मिशन में शामिल नहीं किया जाएगा, जैसे सच्चे साधुओं को साधुओं की जमात में शामिल नहीं किया जाता। अमेरिका से लौटने पर दिल्ली में रामलीला ग्राउंड या लाल किले के मैदान में हमारा शानदार स्वागत होगा। मैं कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें। वे समय ना निकाल सकी तो कई राजनीतिक वनवास में तपस्या करते नेता हमें मिल जाएंगे। दिल्ली के स्मगलर हमारा पूरा साथ देंगे। कस्टम और एनफोर्स महकमे से भी हमारी बातचीत चल रही है। आशा है वे भी अध्यात्म में सहयोग देंगे। स्वागत समारोह में कहा जाएगा, ये भारतीय अध्यात्म की एक और विजय है। जब हमारे आध्यात्मिक पगले विश्व को शांति और मोक्ष का संदेश देकर आ रहे हैं, आशा है आध्यात्मिक पागलपन की ये परंपरा देश में हमेशा विकसित होती रहेगी। डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन को जरूर अमेरिका जाना चाहिए। जब हमारे और उनके राजनीतिक संबंध सुधर रहे हैं, तो पागलों का मिशन जाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कहानी डिवाइन ल्यूनेटिक मिशन। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल रासकला मंच को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, मिलते हैं कहानी और किरदार के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।